हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कहाँ जा रही हो आप? तो विनी तो जाने के रेडी है और बाहर निकल भी गई है। तो आज हम जाने वाले हैं गंडेश्वर डैम, जो पनवेल के पास है। आई थिंक शायद मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, गंडेश्वर डैम नाम है उसका। और चलते हैं वहाँ पे, यहाँ से करीबन 1 घंटे की दूरी है वहाँ पे। और चलिए रास्ते में चलते हुए बाकी सब चीज़ दिखाता हूँ और बात करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम मैं पिटवाड़ी बीच गया था। ये बैक टू बैक लॉकडाउन के बाद सेकेंड ट्रिप है मेरा। तो अगर आपने वाला नहीं देखा है ब्लॉग तो जाके जरूर देखो, बहुत प्यारी जगह है। और जो भी नवी मुंबई के आसपास रहते हैं लोग, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो बहुत करीब बीच है, जो मान के चलो नवी मुंबई से करीबन 45 मिनट में आप पहुंच जाते हो वहाँ पे। वीडियो जरूर देखो। तो चलो इस वीडियो को आगे बनाते हैं। सो गाइस, अभी मैं गाड़ी में आ गया हूँ और अभी जा रहे हैं जावेद भाई के पास। वहाँ से जावेद भाई की भी फैमिली को लेंगे, जावेद भाई के साथ भी चलेंगे। कहाँ? गंडेश्वर टैंक। ओके, सो लेट्स गो। हाँ सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ जावेद भाई के यहाँ और जावेद भाई भी आ गए हैं। हेलो। सो सब लोग रेडी हो? तो सब लोग मास्क पहन के रेडी हैं, देखते हैं कितने देर तक मास्क पहने रहते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं बता दूँ, रोड थोड़ा कंजेस्टेड है, जैसे कि आप देख रहे हो साइड से कार निकली है, लेकिन हाँ दो कार क्रॉस हो रही है और बस ग्रीनरी है पूरी, हर जगह ग्रीनरी, तो बढ़िया माहौल है। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गाडेश्वर डैम के पास। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जब भी आप यहाँ आते हैं तो गाडेश्वर टेम्पल आता है, जो मैं कैप्चर कर रहा था, लेकिन जिस समय मैंने देखा कि वीडियो जो था चालू नहीं था, तो वो पीछे निकल गया। तो अभी मैं जब लौटूंगा यहाँ से, रिटर्न होऊंगा, तब मैं वापस से कैप्चर करूँगा। और अगर लौटते समय अंधेरा हो गया तो सो सॉरी, लेकिन मैं आपको दरवाज़ा तो ज़रूर दिखा दूँगा, ठीक है? तो आप जब भी आते हैं तो गाडेश्वर टेम्पल के पास में ही ये बढ़िया प्लेस है, जहाँ पे आप अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। विनी, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बढ़िया। हेलो बोल दो सबको। हेलो, लव यू बोल दो सबको। नहीं बोलोगी? नहीं बोलोगी? लव यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए लाइन से रोड में गाड़ी खड़ी है, तो आप यहाँ भी गाड़ी रख सकते हो, बस दबा के थोड़ा रख लो। और गाड़ी यहाँ पर रखी है यहाँ पे, और इस तरफ अच्छा स्पॉट है, अभी मैं आपको ले जाता हूँ। और बेहतरीन स्पॉट में पहुँच चुका हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बेहतरीन, अब आप भी खुद देख लीजिए। सो तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, मैं तो अभी वीडियो बनाने में लगा था और मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ दोनों बच्चे विनी और रैयान फुल मजा कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हो विनी, हटो, क्या कर रही है? हम भी उतारते हैं। मजा कर रहे हो? तो विनी और रैयान दोनों मजा कर रहे हैं, मैं भी अभी उतार लेता हूँ, शूज पहनाऊ उतार लेता हूँ और मजे लेते हैं यहाँ का। विनी और मैं यहाँ पे मजा ले रहे हैं पानी का, मजा आ रहा है विनी को, बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ, हम भी फोटो लेते हैं। आ जाओ। सो गाइस, हो सकता है पानी का ज्यादा आवाज आ रहा हो, उसके लिए सो सॉरी, बट क्या करें, नेचुरल वॉइस का मजा लेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो हम आए हैं और आपको सब नज़ारा दिखाया, ये बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी है। तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत खराब व्यूज भी सुनने बहुत मिलती है, आए दिन मिलती है। तो बारिश के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी आप देख रहे हो, ये सब बहुत ज़्यादा फिसलन वाली जगह होती है बारिश के टाइम पे, है ना?
समझ गया ना खराब बात का मतलब, आप समझ गए हो। तो जब भी आए तो बड़े सुरक्षित सुरक्षा के साथ रहें, और बाकी तो बहुत अच्छा है। आप क्या बोलते हैं? पानी में टाइम भी उतना लगा है, बस का ध्यान दे ये पानी को टच कर दिया। ठीक है, सही है, सही है। मैं अभी जो बात बोल रहा था डुबकी लगाने का, तो डुबकी का मतलब ये नहीं था कि दूरा में डूब के नहाऊंगा, अपनी बॉडी को डाल लो, मतलब अपना पैर वैर अच्छा हाथ में डाल लो, उतना ठीक है। लेकिन ज्यादा भी पानी के साथ खेलना गलत बात है, क्योंकि डैम में हमने अक्सर देखा है कि लोग मजा करते रहते हैं और थोड़ी देर में ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि फिर वो लोग जो मजा कर रहे थे वो कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि डैम जो है वो खुल जाता है, पानी बहुत आ जाता है, और ये सब कई बार गलत इंसिडेंट ऐसे मौके में हो जाते हैं जब हम इंजॉय के मूड में रहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, डैम में बहुत होता है। तो बाकी तो बहुत अच्छा है, मैं आपको डैम नहीं दिखा पाया, अगर उजाला रहेगा तो एक राउंड हम जरूर डैम का भी मारेंगे, और बाकी तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ व्यूज आपको भी दिखाता हूँ। मम्मी अभी पार करते हुए आएगी, पत्थरों को पार करते हुए आएगी मम्मी, दुर्गा अभी आपकी मम्मी ना पत्थरों को पार करते हुए आएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना यार, बड़ी मेहनत से वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ मैं, लाइक करो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो। लव यू गाइस। क्या कर रही है विनी? ओ बहुत मजा आ रहा है भाई। एक व्यू लेट के बनता है, मतलब पूरा है तो बहुत खूबसूरत है यार। आइए आप तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।